अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। एक मिनट हटना दादा, दादा यहाँ खड़े हो। खोलो 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 कांच, खोलो कांच, खोलो। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑटो ऑटो सेल्फी वाला ऑटो, सेल्फी वाला ऑटो। सचिन वर्मा जी भी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इनकी कबड्डी कुश्ती काम आएगी और आप लोगों के सारे अरमान पूरे होंगे। पूरे विकास जो आप तब तक नहीं देख पाए वो पूरे विकास होंगे। मेरे साथ जोरदार नारा देना ताकि पूरे क्षेत्र को पता पड़ जाए कि कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत लेकर जीत रही है। कांग्रेस पार्टी नहीं है, जोर से बोलना है इस बार, कांग्रेस पार्टी। अब ये आखिरी वाला नारा ये भोपाल तक जाना चाहिए, जोर से, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अब है प्रशासन ब्लॉक अध्यक्ष माननीय गोपाल व्यास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिन। लेकिन सचिन वर्मा जी के इस क्षेत्र में जो लगाव मैंने देखा है, जो जोश आप लोगों का देखा है, मैं दावे से कह सकता हूं कि 17 तारीख को प्रचंड बहुमत देकर सोनकच्छ में सचिन भाई जीत कर जाएंगे। और मेरी बात सुनो, सजन भाई तो सुना जीत जाएंगे, लेकिन अरमा एक मत रखो, अरमा बहुत सारे होने चाहिए। अरमा ये होना चाहिए कि हमारा नेता जीत कर जाएगा तो भोपाल में इतनी बड़ी ताकत उनको मिलेगी कि पूरे क्षेत्र का विकास कर सकें। आप एक विधायक को नहीं जिता रहे हो, आपका वोट एक एमएलए को नहीं बना रहा, आपका वोट एक ऐसे नेता को ताकत दे रहा है जो मध्य प्रदेश भोपाल में बैठकर अपना डंडा चलाएगा वहां भोपाल से। बात याद रखना,
विधायक बहुत बनेंगे, उम्मीदवार बहुत सारे हैं, लेकिन आपके बीच में जो व्यक्ति आपके यहाँ चुनाव लड़ रहा है, आप सौभाग्यशाली लोग हो, वो कर्मठ व्यक्ति, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जिनको मैं कई सालों से देख रहा हूं। लेकिन एक बात मुझे सचिन भाई से पूछनी पड़ेगी, 20 साल से मैं देख रहा हूं, ना तो वजन बढ़ता है क्यों भाई, ना उम्र बढ़ती है, तो मैं तो उनसे पूछने वाला हूं, ये कौन सी चक्की का आटा खाते, मुझे बता दो। ये सजन भाई का कमाल है कि 25 साल से अगर फोटो लगाओ ना, 25 साल पुराना और अभी का, पता ही नहीं पड़े कौन से साल की फोटोग्राफ है। तो ये सब आप लोगों के देन है, मजबूती के साथ तन मन धन से समर्पित होकर इस क्षेत्र का विकास उन्होंने किया है। सत्ता में हो या ना हो, लेकिन जनता की आवाज बनना, समर्पित भाव से काम करना और डंके की चोट पर राजनीति करना, ये सजन वर्मा की खासियत है। और इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, 3600 बिरादरी के लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे यहां भी चुनाव चल रहा है राजस्थान के अंदर, मैं सारे काम छोड़कर आज हम कुछ क्यों आया, मैं इसलिए आया हूं कि जीत तो आप करा दोगे, लेकिन इतनी मोटी जीत कराना।